अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली आर यूज्ड टू डिस्प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस, एनीथिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपके पास डिस्प्ले हो रही है टेक्स्ट की फॉर्म में है, इमेजेस की फॉर्म में है, चाहे वो मॉनिटर में है, चाहे आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है, पेपर में आ रही है, दैट इज बेसिकली इज डन बाय आउटपुट डिवाइसेस। जो इंफॉर्मेशन आपको मॉनिटर स्क्रीन में नज़र आती है वो बेसिकली आपके पास सॉफ्ट कॉपी होती है। कोई भी चीज़ जब प्रिंट होकर आपके पास आ जाती है ऑन पेपर, उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली जो आउटपुट डिवाइसेस यूज होती हैं उनमें आपके पास मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है या स्पीकर है। नेक्स्ट आपके पास इसमें मॉनिटर आते हैं। मॉनिटर आपके पास बेसिकली ऐसी स्क्रीन है जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है। दो तरह के आपके पास होते हैं, एक हम CRT बोलते हैं और एक हम LCD बोलते हैं। जो आपकी स्क्रीन में लेफ्ट साइड में आपको बेसिकली शो हो रही है, आपके पास CRT मॉनिटर है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू ओल्ड टेलीविजन, जैसे पुराने TV होते थे वैसे ही आपके पास CRT मॉनिटर है। इसका यूज़ आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, बिकॉज ऑफ इट्स साइज, बिकॉज ऑफ इट्स लो क्वालिटी की वजह से और इसके बिग साइज की वजह से इसका यूज़ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। LCD मॉनिटर अगर आप देखें तो स्लिम है, आपके पास राइट साइड पे आपके पास शो हो रहा है। ये लेस पावर कंज्यूम करता है, इसका बेटर आपके पास क्वालिटी है एज कंपेयर टू CRT मॉनिटर्स। नेक्स्ट आपके पास जो आउटपुट डिवाइस है वो बेसिकली प्रिंटर है। प्रिंटर आपको पता है किसी भी टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को हार्ड कॉपी में आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में प्रिंट करने के लिए यूज होता है। देखो क्या, अब आपके पास दो तरह के प्रिंटर्स हैं, एक को हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं, एक हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। जो फर्स्ट हाई स्पीड आपके पास प्रिंटर आया था वो 1953 में आया था, रेमिंगटन रैंड ने आपके पास। बेसिकली ये अमेरिकन बिजनेस मशीन मैन्युफैक्चरर है, ठीक हो गया, जिसने यूनिवैक कंप्यूटर्स के लिए पहला आपके पास प्रिंटर डेवलप किया था, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स बेसिकली ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैकेनिज्म को, ठीक हो गया, जो कि बेसिकली जो करेक्टर अगर आपके पास किसी भी पेपर में प्रिंट होकर आ रहा है तो बेसिकली वो स्ट्राइक के थ्रू होता है, ठीक हो गया। वो आपके पास जो करेक्टर है उसकी जो शेप है वो स्ट्राइक होगी आपके पेपर में और वो एक इमेज छोड़ जाएगा, क्या करेगा, किधर, आपके एक पेपर में। जैसे आपके पास हैमर होता है, ठीक है, आप क्या करते हो, आपने अगर नेल कोई लगाना है किसी वॉल पे, आप क्या करोगे कि आप पहले वो कील रखोगे, नेल रखोगे, फिर आप क्या करते हो, हैमर के थ्रू क्या करते हो, आप उस पर स्ट्राइक करते हो। सिमिलर वे में इम्पैक्ट प्रिंटर भी इसी तरीके से काम करते थे, जो भी आपने करेक्टर प्रिंट कराना है तो वो स्ट्राइक करते थे आपके पेपर में और कोई ना कोई इमेज या कोई ना कोई करेक्टर आपके पेपर में छोड़ जाते थे, जिसके थ्रू आपके पास क्या होती थी, प्रिंटिंग होती थी। ये सबसे ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं और मोस्टली अक्सर आप बैंक वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही यूज़ हो रहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो एक एग्जांपल है वो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं। ये मोस्ट कॉमनली आपके लिए यूज़ होते हैं एज फॉर्म है बेसिकली आप कह सकते हो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। 50 to 500 करेक्टर्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में ये 50 से 500 करेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आपके स्क्रीन में आपको डॉट नज़र आ रहा है तो डॉट बेसिकली इसके स्पेलिंग्स अगर आप देखें तो इसमें आपके पास 3 करेक्टर्स इंक्लूडेड है। तो अगर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करते हैं तो ये एक सेकेंड में 50 टू 500 करेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं। ये बहुत चीप थे, इनकी क्वालिटी बहुत पुअर थी, ठीक हो गया, बहुत नॉइस क्रिएट करते थे जब भी ये कुछ भी प्रिंटिंग करते थे। तो मोस्ट कॉमनली ये आपके पास यूज़ होते हैं अभी भी प्रिंटिंग के लिए, कहीं पे इनवॉइसेस हो रहे हैं प्रिंट, कहीं पे बैंक स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है या यूटिलिटी बिल्स के लिए। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप आती है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बेसिकली स्ट्राइक नहीं करते थे आपके पेपर में, ठीक हो गया। इसकी दो मोस्ट कॉमन आपके पास
टाइप्स हैं, एक को हम इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर बेसिकली स्टोर करते हैं कैरेटेज में, आपके पास स्प्रे होता था, ठीक हो गया, बेसिकली क्या करते थे, स्प्रे करते हैं किसी पेपर में, ठीक है, नोजल के जरिए से, ठीक हो गया, जिसकी वजह से कोई ना कोई क्या होता था, आपके पास प्रिंट आउट आता था। अब कार्टेज जो इसके ना बेसिकली है, वो जो कार्टेज है उसके ना आपके पास इंक होती है, ठीक है। अब ये स्प्रे करते हैं किसी पेपर में, तो जो नोजल है नोजल के जरिए स्प्रे होती थी, और नोजल आपके पास कहाँ है, इसके प्रिंट हेड में होता है, ठीक हो गया। अब आपके पास बेसिकली जो इंजेक्ट प्रिंटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये ज़्यादातर हर सेक्टर में यूज़ हो रहा है, होम्स में यूज़ हो रहा है, ठीक है, सिंपल बिजनेसेस में यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया। और मतलब यहीं पे एज कंपेयर टू अगर हम लोग इसको बात करते हैं लेज़र प्रिंटर से, तो आपके पास इसकी थोड़ी सी क्वालिटी और लो है, और ये लेस फास्टर है एज कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर। लेकिन अगर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें तो उससे फास्ट है। नेक्स्ट आपके पास लेज़र प्रिंटर्स आ जाते हैं। लेज़र प्रिंटर्स आपके पास बेसिकली जो है फोटो कॉपिंग मशीन, जैसे आप देखते हो कि एक लाइट पास होती है ग्रीन कलर की प्रिंटिंग के लिए, तो सिमिलर वे में आपके पास ये लेज़र प्रिंटर भी काम करते हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, फास्टर हैं, ठीक हो गया, और इनकी क्वालिटी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू इंकजेट प्रिंटर्स, ठीक है। और लेज़र प्रिंटर्स वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पे लार्ज स्केल आपके पास बिजनेसेस चल रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आउटपुट डिवाइस है वो आपके पास प्लॉटर है। प्लॉटर बेसिकली आपके पास ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंटिंग करती है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हो गई, किसी मशीन के पार्ट्स हो गए, ठीक हो गया, या बिल्डिंग के डिज़ाइन हो गए, मैप्स हो गए, चार्ट्स हो गए, पेनाफ्लेक्स हो गए, ऑन लार्ज स्केल पेपर्स या शीट्स, ठीक हो गया। जब आपने लार्ज स्केल प्रिंटिंग करनी होती है तो वो प्रिंटिंग प्रिंटर के थ्रू पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए जो आप चीज़ यूज़ करते हो उसे हम बोलते हैं प्लॉटर, और ये एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू प्रिंटर्स। इसमें सबसे पहले आपके पास इंक प्लॉटर आता है। इंक प्लॉटर बेसिकली आप यूज़ करते हो किसी भी तरह की इमेजेस को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें पेन प्लॉटर आता है। पेन प्लॉटर बेसिकली हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को, ठीक हो गया, मशीन पार्ट्स को या बिल्डिंग डिज़ाइंस को प्रिंट करने के लिए। प्लॉटर्स जो होते हैं वो आपके पास स्लो आउटपुट डिवाइस है एज कंपेयर टू प्रिंटर्स, ठीक हो गया, लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी के गुड है एज कंपेयर टू प्रिंटर्स। नेक्स्ट आपके पास स्पीकर आते हैं एज अ आउटपुट डिवाइस, ठीक है, जो कि आपके पास प्रोड्यूस करते हैं ऑडियो आउटपुट, ठीक हो गया। आपके पास टू पेयर्स यूज होते हैं स्पीकर के, जो कि आपके साथ जो कि अटैच होते हैं मदरबोर्ड में, ठीक हो गया। बेसिकली आपके पास मदरबोर्ड के ऊपर एक साउंड कार्ड है जहाँ पे जाके आपके पास टू पेयर्स ऑफ स्पीकर क्या होते हैं, जाके अटैच होते हैं। स्पीकर मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं ताकि जो आपके पास मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स हो गए या डिफरेंट तरह की गेम्स के ड्यूरिंग या वीडियोस के में जो आपके पास म्यूजिक इंक्लूडेड होता है, ठीक हो गया, वो प्रोड्यूस कर सकें।